इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पारस गुट को एक और झटका लग सकता है। एक और सांसद पहुंचे हैं चिराग के घर, तो महबूब अली कैसर पहुंचे हैं चिराग के घर। खगड़िया से आरएलजेपी सांसद है कैसर। चिराग पासवान से मुलाकात लगातार जारी है। सांसद वीणा देवी भी पहुंची है चिराग पासवान के घर। तो वैशाली से सांसद हैं वीणा देवी, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पारस गुट को एक और झटका लग सकता है। एक और सांसद चिराग पासवान के घर पहुंचे हैं। महबूब अली कैसर चिराग पासवान से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि खगड़िया से आरएलजेपी के सांसद हैं कैसर, और इसके साथ ही वीणा देवी भी चिराग पासवान के घर उनसे मुलाकात करने पहुंची है। सांसद चंदन सिंह का बड़ा बयान अब सामने आ चुका है। पारस गुट के सांसद का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां इंडिया अलायंस में जाने के सवाल पर जवाब उन्होंने दिया है। कहा है कि राजनीति में दरवाजा हमेशा खुला रहता है, दरवाजा कभी बंद नहीं होता। एनडीए में अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, सीटों के ऐलान के बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। कल होगी आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की ये बड़ी बैठक। बात करते हैं आरएलजेपी के नवादा से सांसद चंदन सिंह से। चंदन जी, कल चिराग पासवान ने पोस्ट करके एक्स पर इस बात की जानकारी दे दी और कैमरे के सामने आकर भी कहा ऑन रिकॉर्ड सहमति बन गई है बीजेपी के साथ। आप लोगों की सहमति कब तक बनेगी या संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है? उनको जिनको बना है उनको मैं बधाई देता हूँ। वाजी में एनडीए में सबको बनना भी चाहिए, और हमारी पार्टी हरी हरी बातचीत चल रहा है। कोई फैसला जगह पे अभी नहीं पहुँचा है, जब जगह पे पहुँचेगा तो आपको जरूर अमितेश बाबू बचाया जाएगा। अब तो ऐलान अभी नहीं हुआ, होगा तो हम लोग भी अपना सोचेंगे, उस पर विचार चल रहा है पार्टी का। चारों तरफ से बातचीत भी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कई महत्वपूर्ण ऐसे भी है, चारों सांसद हम बैठे हैं, चुनाव का समय है, तो बैठक तो कहीं ना कहीं मायने रखता ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवादा से आरएलजेपी के सांसद चंदन सिंह, जो कि कह रहे हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है और विकल्प खुले हैं, समय पर दरवाजा लॉक होगा। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आरएलजेपी को लगता है कि आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर के। जब आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग अपना विकल्प तलाशेंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक दूसरे धड़े की तरफ यानी एनडीए अलायंस की तरफ इनके कदम बढ़ रहे हैं और उधर बातचीत शुरू हो गई है, जो चंदन सिंह संकेत भी दे रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और इस बीच राज्य से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंबा प्रसाद के ठिकाने पर ईडी रेड का सर्च ऑपरेशन में 35 लाख जब्त किए गए हैं। कई डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं ईडी की तरफ से। इसके साथ ही बता दें आपको कि सीओ के कई फर्जी स्टाम्प भी ईडी की तरफ से जब्त किए गए हैं। तो लेवी और बालू खनन के को लेकर के छापा ये पड़ा है, और रांची हजारीबाग के 20 ठिकानों पर ये छापा पड़ा है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अंबा प्रसाद के ठिकाने पर ईडी का रेड लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन में 35 लाख जब्त किए गए हैं।